नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे स्टार्ट किया जाए या कैसे ग्रो किया जाए आपका बिजनेस या स्टार्टअप। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखना। इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कंटेंट तैयार किया है, जिसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें भी मिलेंगी और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिलेंगी। तो शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे पकड़ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सारे पॉइंट्स पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बिज़नेस कहीं भी लड़खड़ा सकता है। तो पहली चीज़ है माई टारगेट मार्केट। तो दूसरी चीज़ है माई प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आपका मैसेज जो भी आपके कस्टमर्स के प्रति हो, आपकी मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो चल रहा है, किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको बदलते रहना चाहिए, आपकी सेल्स के प्रोसेस और आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी। तो ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जो टारगेट मार्केट है उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपका जो टारगेट कस्टमर है वो आपकी टेबल तक नहीं पहुँचेगा। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा टारगेट कस्टमर का पर्सोना, मतलब आपका कस्टमर किस तरीके का है, कैसा है, क्या करता है, किस तरीके का उसका एनुअल बजट है, इनकम बजट है, किस तरीके की वो बिहेवियर पैटर्न में है, क्या सामान खरीदता है। ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप टारगेट मार्केट को ही गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका लॉस होगा। अब टारगेट मार्केट डिसाइड करते हुए कुछ क्वेश्चंस का ध्यान ज़रूर रखें। व्हाट्स योर कोर ऑफरिंग टू कस्टमर, मतलब आपका जो कोर ऑफर है कस्टमर्स के प्रति, क्या वो कस्टमर उसे खरीद लेगा या क्या वो कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर लेगा जो आप भी ऑफर कर रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऐसी सर्विसेज दे देते हैं जो कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं करते या ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको बनाने से पहले ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस कस्टमर के लिए क्या चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद आता है हु वुड बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव टू ऑफर, आपके उस प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या बेनिफिशियल निकलेगा कस्टमर्स के प्रति, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका प्राइमरी पेन पॉइंट्स क्या हैं जो आप सॉल्व कर रहे हो, आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो प्राइमरी पॉइंट्स का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है। अगर ये एस्पेक्ट आपके बिजनेस में क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। What makes you and your business unique? आपका business किस तरीके से unique है और आपका business बाकी competitors से किस तरीके से अलग और बेहतरीन है, ये चीज़ आपको decide करनी पड़ेगी शुरुआत से। आपको ये भी decide करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपनी target market में fit बैठ रहे हैं और business को unique बना रहे हैं। आपका ideal customer किस तरीके का दिखता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या उसके behavior patterns है, क्या उसकी income है, कहाँ वो अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फेसबुक पे है, गूगल पे है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो बायर है, जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, तो उसे किस तरीके से आप तक पहुंचाना है, आपने उस पर किस तरीके से कोचिंग करनी है, किस तरीके से बात करनी है, आपका बाइंग प्रोसेस क्या रहने वाला है उस कस्टमर को लेके, वो कस्टमर किस तरीके से बाय करेगा, ऑनलाइन करेगा, ऑफलाइन करेगा, कितनी स्टेजेस में करेगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, किस तरीके के स्टेप्स फॉलो करेगा, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसे लेके, क्या क्या परेशानियों को आप रिमूव कर दोगे, कितना ईजी प्रोसेस बना दोगे आप उस सारी चीज़ों को लेके, वो हाउ कैन यू गेट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करोगे उसके सामने, मतलब अगर मैं बोलूँ तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो या ग्रो कराना चाह रहे हो तो इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और जिन पे हम फोकस नहीं करते हैं। What led them to buy your products? किस रीज़न से वो आप तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा, किस रुझान के प्रति पहुँचा, What almost stopped them from buying? क्या चीज़ थी जो लास्ट मोमेंट पे उसने कार्ट से परचेजेस नहीं करी, उसने प्रोडक्ट तो ऐड कर लिया कार्ट में बट सेल्स नहीं हो पाई, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। What are they liking about it? क्या चीज़ वो लाइक कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चीज़ वो नहीं लाइक कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों लाइक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है अपनी टारगेट मार्केट को डिसाइड करते हुए
पहली चीज़ आप ये सोच लें कि आपका टारगेट मार्केट होने वाला क्या है। क्या आप बच्चों के लिए सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं, क्या आप बड़ों के लिए सामान बना रहे हैं, एल्डर्स के लिए बना रहे हैं, कस्टमर आपका अगर यूथ है तो उसके लिए बना रहे हो, फीमेल मेल, क्या रीज़न है, क्या रिलीजन है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका टारगेट मार्केट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत कस्टम बेस्ड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या कहती है, सेगमेंट्स किस तरीके के हैं, रिव्यू क्या कर रहा है कस्टमर, आप क्या रिव्यू करते हो अपने कंपटीशन से, आपकी रिव्यूमेंट किस तरीके की है, क्या कस्टमर प्रोफाइल सेगमेंट में फिट बैठ रहा है। कंडक्ट करें प्राइमरी रिसर्च, अगर आपकी रिसर्च प्राइमरीली कमज़ोर है टारगेट मार्केट को लेके, तो आपका प्रोडक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा और आप वहीं इसी वजह से फेल भी हो रहे होंगे अपने बिजनेस या स्टार्टअप में। अप्लाई करें रिसर्च के लिए, ट्रांसफॉर्म करें बिजनेस को, ऑनलाइन रिसर्च पे लेके आएँ, एवेल्युएट करते रहें जितनी भी चीज़ें हैं, डिसीजंस के बारे में ध्यान दें, क्या डिसीजंस थे एवेल्युएशन के बाद, क्या वो सही थे या गलत थे, अवॉइड करें जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको ख़त्म कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आता है माई प्रोडक्ट और सर्विस, कि मेरा कस्टमर के लिए मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँगा, क्या सर्विस दूंगा, उन चीज़ों को देखते हुए या देते हुए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाला होता है कस्टमर। अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, सर्विस समझ में नहीं आ रही, तो वो वहीं रुक जाएगा और वहीं सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में देने लायक चीज़ है कि आप चूज़ करें आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका सेगमेंट क्या है। मैंने बताया टारगेट मार्केट का ही पहला पॉइंट है कि आप चूज़ कर लें कि आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, किस सेगमेंट में डील कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहने वाले हैं आपकी इंडस्ट्री या सेगमेंट में, जो भी आप प्रोडक्ट बना के बेचेंगे क्या उसमें मार्जिन रहेंगे, कितना परसेंट मार्जिन रहेगा, क्या वो लॉस कवर कर लेगा, क्या आप ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे आप उस प्रॉफिट मार्जिन्स के थ्रू जो आप रिकवर करोगे कस्टमर से एज ए प्राइस। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, क्या प्राइसिंग पॉलिसी रखने वाले हो आप, क्या आप रिपीटेटिव परचेज कराओगे या नहीं कराओगे। अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम में घुस जाइए और उसको पूरी तरीके से सॉल्यूशन प्रोडक्ट बना के बेचिए, तभी आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। नई अप्रोच के साथ आएँ, कंसीडर करें लॉजिस्टिक का सपोर्ट लें, लॉजिस्टिक सपोर्ट में जितनी कॉस्ट कम हो सकती है उतनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करें, नई अप्रोचेस के प्रति तैयार रहें, इनोवेशन लाते रहें अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में। अगर नहीं ला रहे हैं तो एक ना एक दिन आपकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। कंसीडर करें लॉजिस्टिक्स में जितनी कॉस्ट बचा सकते हैं। हैव पैशन फॉर योर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट में पैशन डालना है और वो दिखना भी चाहिए और एग्जैक्टली समझ में भी आना चाहिए कस्टमर के। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है और ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ये एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया या सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया या आपने सोचा ही नहीं या किसी तरीके से आपका दिमाग कहीं और है इस टाइम पे और आप नहीं सोच पा रहे हो तो गलत है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें अकॉर्डिंग टू कस्टमर कि हाँ जी कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, कस्टमर की पॉकेट आपके प्रोडक्ट के मुताबिक है या नहीं है, कस्टमर सस्टेनेबल है आज के टाइम पे और फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, वो ध्यान में रखने वाली चीज़ है। क्या आपका प्रोडक्ट ट्रेंड में रहने वाला प्रोडक्ट है या एक बार बनेगा, आज ख़त्म हो जाएगा, कल दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट और आइडियाज़ लाने हैं, गुड क्वालिटी का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट को राइट क्वालिटी में फिट करना है। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान करना भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी दिक्कत हुई तो आपका सारा बिजनेस एक्सपेंशन प्लान ख़त्म हो सकता है। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल डेवलप करें। आप जब भी बिजनेस लॉन्च कर रहे हों या बिजनेस में ग्रो कर रहे हों या कोई नया प्रोडक्ट लाने वाले हों तो उसको प्रोटोटाइप पे डेवलप करके देखें पहले, एकदम से उसको मास लेवल पे ना ले आए, अदरवाइज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआत में आओ ही ना। अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, बिल्कुल नए लेवल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में से काम चलाओ, शुरुआत में मास मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ो ही मत। पोटेंशियल देखो कि हाँ जी आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अगर वो 50% या 40% का है तो उसमें घुसने का फ़ायदा है। कई जगह 30% भी काम कर जाता है अगर उसमें रिसोर्सेस इतने ज़्यादा ना लग रहे हों तो। ये चीज़ ध्यान में रखें, 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तभी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सस्टेन करती है, अदरवाइज नहीं करती है। सर्वाइव करने के लिए एग्जिस्टिंग कंपटीशन किस तरीके की प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर रहा है उस पर ध्यान दें, उनको बीट करने के लिए, आउटस्मार्ट करने के लिए अपने प्लान बनाते रहें। आप मार्केट में किस तरीके से पहुंचोगे, कितने कम एफर्ट्स के साथ पहुंचोगे, कितने कम कॉस्ट के साथ पहुंचोगे, कितने सारे तरीके आप यूज़ करोगे, क्या आप ऑनलाइन तरीका यूज़ करोगे, कम से कम एफर्ट्स में आपको पहुंचना है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, तभी आप जीत पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। रिकरिंग रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट है क्या आपका, मतलब लगातार आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू देता रहता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि हाँ जी आपने बना दिया एक बार यूज़ हुआ और ख़त्म हो गया,
तो आपको ये चीज़ ध्यान में देने वाली बात है, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रेवेन्यू रिकरिंग फॉर्म में देता रहे, लगातार देता रहे, वो प्रोडक्ट बार बार यूज़ हो, लगातार यूज़ हो, तभी आपके बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी बनती है कि आप उस मार्केट में जम पाओगे, रह पाओगे। अप फ्रंट मार्केट रिसर्च करें कि शुरुआती दौर में बिल्कुल फ्रंट पे क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ऑलरेडी आप मार्केट को कितना जानते हैं, कितना और रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या मार्केट को और पेनिट्रेट हो सकती है, क्या नया प्रोडक्ट आ सकता है, क्या एडिशन हुआ जा सकता है उस प्रोडक्ट में, क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्या आप नोन प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, नहीं कर पा रहे हो तो क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी होना चाहिए, टोटली डिफरेंशिएटेड हुआ तो दिक्कत है और नहीं हुआ तो दिक्कत है। प्राइस बिल्कुल राइट होना चाहिए, प्राइस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी एक बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस आप अपने कस्टमर को दे पाओगे या उसे ख़त्म करके पूरी तरीके से सर्विसेबल बना पाओगे। अब अगर देखिए, आपने प्रोडक्ट बना लिया, सर्विस बना ली, अब अगर उसको मैसेज क्लियर नहीं है, कस्टमर को आप मैसेज सही नहीं दे पा रहे हो, तो बहुत दिक्कत है। रीज़न फॉर बीइंग आपकी टारगेट मार्केट भी डिसाइडेड है, आपका एक तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस भी रेडी है, बट अगर आप अपने कस्टमर तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कम्युनिकेशन कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी पुराने हमारे पास बहुत ज़्यादा लीड्स आ चुकी हैं, नई भी लीड्स आ रही हैं, पुरानी लीड्स हम छोड़ते जा रहे हैं, या हमें जो बेनिफिशियल नहीं लग रहा हम उसे रिमूव कर रहे हैं, बाकियों को हम लेते जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी सरदर्दी है। आइए बात करते हैं कि हाँ जी कस्टमर को अगर आपने मैसेज देना है तो वो किस तरीके से देना है। देखिए, आपको ऑडियंस के बारे में केयर करनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो भी कस्टमर है, उसके बारे में केयर करनी है, क्या चाहता है वो, उस चीज़ पे बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आप क्या ऑफर कर रहे हो उसकी केयर के हिसाब से, आपका कॉल टू एक्शन क्या है, क्या वो आपकी बात को समझ पा रहा है, क्या वो आपके मैसेज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, क्या वो उसे सेल में कन्वर्ट कर पा रहा है, क्या आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, क्या आपकी बातों को माना जा रहा है कस्टमर द्वारा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस चलाते हैं तो। हाउ विल यू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, किस तरीके से मार्केट में लाओगे, क्या आप उस तरीके का एनवायरनमेंट दे पा रहे हो, क्या पैकेजिंग आपकी ऐसी है कि हाँ जी आपके प्रोडक्ट को देखते ही कोई समझ जाता है कि हाँ जी ये चीज़ इस चीज़ के लिए बनी है। वे टू रीच क्या है, आपको मैंने बोला था कि कम से कम चीज़ों में, कम से कम एफर्ट्स के साथ, कम से कम कॉस्ट के साथ आपने मार्केट में पहुँचना है। प्रोडक्ट अवेयरनेस कितनी है आपकी मार्केट को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी कंपनी को लेके, आपके स्टार्टअप को लेके, क्या आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं प्रोडक्ट बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, टारगेट ऑडियंस पता होती है, टारगेट मार्केट पता होती है, ठीक है, कस्टमर का प्रोडक्ट पता होता है, बट अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर पाते, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कस्टमर्स के साथ, और वहाँ होती है सबसे बड़ी दिक्कत। रीज़न, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता कस्टमर्स के साथ और डील तो टूट ही जाती है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है, कस्टमर नीड करता है कि हाँ जी आप उसको मैसेज जो दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। तो आप बढ़िया तरीके से कम चीज़ों में रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो क्लियर हो बिल्कुल कस्टमर के प्रति, आपका प्रोडक्ट सॉल्व करे कस्टमर की प्रॉब्लम। अगर आपका कस्टमर बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो एक बार खरीदेगा, दूसरी बार नहीं खरीदेगा, और वहीं सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके पूरी सारी सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं बाय मार्केटिंग प्रोसेस। अब आते हैं मार्केटिंग पे। दोस्तों, फोकस करें, स्पेसिफिक मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करें। एक साथ सारी चीज़ें यूज़ करने का मतलब होगा कि आप बस्ट हो जाओगे, आपकी एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे, आप थक जाओगे, ये दिक्कत है। आइडेंटिफाई कर लें आपकी राइट मार्केटिंग टैक्टिक कैसे होने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी टारगेट मार्केट कहाँ है, आपको प्रोडक्ट कहाँ देना है, आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका मैसेज क्या कितना क्लियर है। अब आपको मार्केटिंग टैक्टिक यूज़ करनी है, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है, एक्शन प्लान पे काम करना है। अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ये मत कोशिश करिए कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये सारी भी चीज़ें कर लूँ, कहीं और से फंड बटोर लूँ, नहीं। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसी के थ्रू आप काम करें और बढ़िया तरीके से काम करें, क्योंकि तीन चीज़ें आपको पता है, ये चौथी चीज़ है, अगर आपने ये चौथी चीज़ कर दी तो आपकी सेल्स बहुत ईजिली पॉसिबल है। पर्सनलाइजेशन पे जाएं, कोशिश करें हाँ जी आप वन टू वन कनेक्ट करें कस्टमर्स के साथ। इनोवेशन लाएं मार्केटिंग में, कुछ ना कुछ नए लाने की कोशिश करें मार्केटिंग में, कुछ नए तरीके की मार्केटिंग करें, कुछ ऐसी करें कि हाँ जी लोग कनेक्ट हो जाएं। ऑमनी चैनल मार्केटिंग करें, हर चैनल पे आप अवेलेबल हो, आप कस्टमर्स के साथ ऐसी भागीदारी निभाएं जिससे कस्टमर्स कहीं और जाए ना। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी जाए तो देखिए, पेड मार्केटिंग यूज़ भी कर सकते हो आप, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह वगैरह। आप कॉज मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो कि हाँ जी किसी कॉज के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे कि आजकल लाइफ बॉय का एक ऐड आ रहा है कि हाँ जी कोई भी साबुन हो बट आप यूज़ करो।
रिलेशनशिप मार्केटिंग आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप शो कर सकते हो मार्केटिंग में या एडवर्टीजमेंट में कि हाँ जी फादर और सन या कोई भी रिलेशनशिप। अंडरकवर मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो आप कि हाँ जी आपकी मार्केटिंग दिख नहीं रही है बट हो रही है। वर्ड ऑफ माउथ यूज़ कर सकते हो, बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ी मार्केटिंग टैक्टिक है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है। इंटरनेट मार्केटिंग तो अगर आपके पास आज के टाइम पर नहीं है तो दिक्कत है, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत है। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग यूज़ करें, हाँ जी कितनी ट्रांजेक्शन आपने करी उसको और शो ऑफ करो कि हाँ जी मैंने इतनी ट्रांजेक्शन अब तक कर ली हैं। ये नई टैक्टिक है स्टार्टअप्स और बिजनेसेस से यूज़ कर रहे हैं। डाइवर्सीफाई करें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, एक ही तरीके की मार्केटिंग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। इसके बाद आता है लास्ट में सेल्स स्ट्रेटजी, सेटिंग करें कि हाँ जी आपके सेल्स गोल्स क्या है। आप ज़रूरत से ज़्यादा भी गोल्स ना बना लें और ज़रूरत से कम भी गोल्स ना बनाएं। कस्टमर के पर्सोना का ध्यान रखें, जो मैंने बोला उसी तरीके की सेल्स करने की कोशिश करें। रिसर्च करें, देन उसको खोजें कि आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। क्वालिफाई कर लें और प्रेजेंट करें। देखिए दोस्तों, सिर्फ मार्केटिंग करना, टारगेट मार्केट ऑडियंस डिसाइड करना, प्रोडक्ट डिसाइड करना या मैसेज देखना ही क्लियर नहीं है। लास्ट के इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि कस्टमर आप तक पहुंच गया, उसने मार्केटिंग भी देख ली, अब वो आपके पास आया है प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया, अब उसको ऐसा कस्टमर बना लो कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। आपको ऑब्जेक्शन देखनी है कि वो आपके प्रोडक्ट को लेके किस चीज़ों को मना कर रहा है, क्या आप डील कर लोगे उससे, क्या आप लीड्स को नर्चर कर रहे हो। लीड्स वो होती हैं जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं बट वो कन्वर्टेड क्लाइंट नहीं होते हैं, मतलब वो आ तो गए हैं, उन पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको नर्चरिंग करते हैं। रिपोर्टिंग लीड्स होती हैं कि हाँ जी आपको उन पर दो तीन बार मेहनत करोगे तो काम हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी लीड्स को क्लाइंट्स में, तभी जाके आपका काम बनेगा और ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एनालाइज करें और इम्प्रूव करें और अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी ऐसी रख लें कि उसमें रिसर्च भी हो, आप अंडरस्टैंड कर लें कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी। आप अपनी टारगेट स्मॉल मार्केट्स पर ध्यान दें शुरुआत में, एनालाइज करें पास सेल्स किस तरीके से हुई थी, क्या वो कहीं कन्वर्ट हुई थी, कहीं दिक्कत दी हुई थी, कन्वर्ट करें जितनी भी सेल्स बची हुई हैं, लीड्स बची हुई हैं। आपको रिजल्ट्स लाने हैं, सबसे ज़्यादा एंड रिजल्ट पे फोकस करें। नीश मार्केट पे जाएं, अपनी सिर्फ एक नीश बनाएं, उस चीज़ पे ही फोकस करें, देन उसको डाइवर्सीफाई कर लें डिफरेंट तरीके से। आप लीड स्कोरिंग यूज़ कर सकते हो कि हाँ जी कितनी लीड्स दूँ कि ये बंदा कन्वर्ट हो गया, ये बंदा नहीं हुआ, ये तो दोबारा होगा ही नहीं कभी। तो कनेक्ट करें डिसीजन मेकर के साथ, आप ऐसा ना हो कि आप अपना समय उस चीज़ के साथ बेकार कर रहे हो कि हाँ जी जो डिसीजन मेकर ही हो ना हो एक तरीके से, और वो आपका सेल्स का टाइम ख़राब कर दे। परफेक्ट करें अपनी सेल्स पिच को, जितनी सेल्स पिच परफेक्ट होगी उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है सेल्स में। फॉलो अप लगातार करते रहें, फॉलो अप अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये मान के चलिए चाय जैसे छन्नी में से छानते हैं वैसा होता जा रहा है कि हाँ जी सिर्फ चाय जा रही है और जो मेन मसाले वाली चीज़ है वो तो ख़त्म हो जाएगी। हेल्पफुल रहें अपनी सेल्स में और तभी आपकी सेल्स बढ़ेगी दोस्तों, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये है ग्रोथ प्लान, ऐसे ग्रोथ प्लान मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप अगर चैनल में नए हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ। अगर आप बिजनेस प्लानिंग में या बिजनेस को किसी तरीके से मार्केटिंग में, सेल्स में, टारगेट ऑडियंस में, मैसेजेस में, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट सर्विस में कहीं भी वीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि आप अपने बिजनेस और स्टार्टअप को कैसे ग्रो कराएं इंडिया में। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।